भारतीय भूगोल में भारत की स्थिति विस्तार पढ़ाया मैंने। उसके बाद मैंने भारत की भूगर्भिक चट्टाने पढ़ाई, फिर हिमालय पर्वत पढ़ाया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ाया। उसके बाद मैंने उत्तर भारत का मैदान और पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों को पढ़ाया। अब आपका बहुप्रतीक्षित चैप्टर आ गया है, भारत की नदियाँ। भारत की नदियों पर चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, इसके बावजूद आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब आप सभी चैप्टर्स, सभी अध्याय, सभी वीडियो मेरे साथ देखिए। सभी वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देने का फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है। और शुरू से लेकर सारे वीडियो देखिए, बीच से नहीं देखना चाहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत की अवस्थिति और विस्तार, भारत की अवस्थिति और विस्तार जो ग्लोब पर है, पहले वीडियो से लेकर क्रम से बारी बारी सभी वीडियोज देखिए, फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा। किताब से पढ़ने में वो मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं भारत की नदियां पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय नदियों को हम दो भागों में बांट देते हैं, सुविधा के लिए, अध्ययन में सुविधा हो जाती है। इससे सारा कुछ एक साथ पढ़ेंगे नदियों में तो हौच पौच हो जाएगा। सुविधा के लिए जरूरी होता है कि प्रत्येक चीज का एक क्रम हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने भारत की नदियों वाला वीडियो नहीं बनाया, सबसे पहले मैंने बताया कि ग्लोब पर भारत कहाँ है, भारत की अवस्थिति बताया और विस्तार बताया, फिर पर्वत पढ़ाया, फिर पठार पढ़ाया। तो हर चीज का एक क्रम होता है, तो उसी तरह से क्रमवार करने के लिए हम भारतीय नदियों को दो भागों में बांट देते हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो नीचे वाला क्षेत्र है ये, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम हिमालय की नदियों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय नदियों को दो भागों में बांटते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। नेक्स्ट पॉइंट, सुविधा की दृष्टि से हिमालय की नदियों को भी तीन भागों में बांटते हैं। सुविधा की दृष्टि से हिमालय की नदियों को भी तीन भागों में बांटते हैं, पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं तो सैकड़ों हजारों नदियां, लेकिन प्रमुख रूप से तीन ही नदियां हैं, बाकी नदियां इन तीनों नदियों की सहायक हैं। जैसे एक सिंधु नदी निकलती है ना, मानसरोवर के समीप से निकलती है सिंधु नदी, तो बाकी जो नदियां हैं उसकी सहायक है इधर पश्चिम में। इसी तरह गंगा नदी निकलती है, आर पार करती है मैदान को, उत्तर भारत के मैदान को, तो बाकी नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो पूर्वोत्तर भारत की भी जो अन्य नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक हैं। तो प्रमुख रूप से हिमालय में तीन ही नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज मैंने सिंधु नदी तंत्र को ही विशेष रूप से बनाया है, रेखांकित किया है, क्योंकि आज मैं सिंधु नदी तंत्र ही पढ़ाऊंगा। गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर अध्ययन ठीक इसकी अगले वीडियो में होगा, तो तैयार हो जाइए सिंधु नदी तंत्र को पूरी तरह से समझने के लिए। तो गंगा, हिमालयी नदियों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लिख लीजिए इस बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इससे पहले हम इसे थोड़ा सा समझा दें, हम लिखवाएंगे, डोंट वरी। हिमालय में तीन नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी वहां पर बहती थी। हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां ऐसी हैं जो कि हिमालय की उत्पत्ति या उत्थान से पहले भी उस स्थान पर, उसी स्थान पर बहती थी। ऐसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ये तीन पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी, सिंधु नदी तंत्र की दूसरी सबसे लंबी नदी सतलज, सिंधु, सतलज, सिंधु और सतलज दोनों मानसरोवर झील के पास से निकलते हैं। सिंधु पूर्ववर्ती नदी है, सतलज पूर्ववर्ती नदी है, और मानसरोवर झील के पास से ही एक और नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में बहती है, बांग्लादेश में चली जाती है। क्या इत्तफाक है कि तीनों नदियां एक ही जगह से निकल रही हैं? ये अजीब इत्तफाक है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र
ये तीनों नदियां एक ही केंद्र से निकल रही हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई रहस्य तो होगा। रहस्य ये है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती हैं, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती अर्थात हिमालय के उत्थान से भी पहले वहां पे बहती रही हैं। जब हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ धीरे धीरे, तो इन नदियों ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं, न ही रास्ता छोड़ा और न ही दिशा बदली। ये तीनों नदियां अपने पहले वाले रास्ते पर बहती रही और हिमालय का उत्थान होता रहा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर पर्वत का, यहाँ पे अगर कोई नदी बहती है और पर्वत का उत्थान होने लगा और नदी अपने ही जगह पर बह रही है, तो इसका अर्थ है कि नदी उस पर्वत को, एक तरफ तो पर्वत का उत्थान हो रहा है और दूसरी तरफ नदी उस पर्वत को काटती चली जा रही है। यानी नदी पहले भी यहाँ बहती थी इस घाटी में और हिमालय के उत्थान के बाद भी वो नदी यहीं पर बह रही है। अर्थात निश्चित रूप से पूर्ववर्ती नदियां क्या करती हैं कि पर्वत के उत्थान के साथ साथ उसकी घाटी, अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं, है ना, काट देती हैं पर्वत को और अपने दिशा और स्थान को बदलती नहीं है। तो ऐसी नदियां बहुत ही सकरी और गहरी घाटी का निर्माण कर देती हैं। ऐसी जो नदियां होती हैं पूर्ववर्ती नदियां, पहाड़ों पर बहुत ही सकरी और गहरी घाटी का निर्माण कर देती हैं। ऐसी सकरी घाटियों को खड़े ढाल वाली घाटी होती है, बिल्कुल, है ना। ऐसी खड़े ढाल वाली घाटियों को और सकरी घाटियों को हम गार्ज कहते हैं। तो अभी आपने समझा कि पूर्ववर्ती नदी होती क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसे लिखना है, पहला पॉइंट, हिमालय की तीन नदियां पूर्ववर्ती हैं। नंबर वन सिंधु, नंबर दो सतलुज और नंबर तीन ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्ववर्ती का अर्थ यह है कि ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले, ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और टेथी सागर में गिरती थी। पूर्ववर्ती से आशय ये है कि ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के या हिमालय के निर्माण के पहले तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी और टेथी सागर में गिरती थी। नेक्स्ट पॉइंट, आज जहां पर हिमालय पर्वत है अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, आज जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टेथी सागर का विस्तार था। सागर अर्थात समुद्र, टेथी सागर का विस्तार था जिसे हम टेथिस भूसन्नति भी कहते हैं। टेथिस भूसन्नति, मैं टेथिस भूसन्नति के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, आप चाहें तो हिमालय का जो पहला वीडियो है उसे जाके देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो हिमालय पे जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था सब कुछ वहां पर डाला हुआ, वो बकायदे इन चीजों को मैं बता चुका हूं, तो यहां मैं संक्षेप में ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और टेथी सागर में गिरती थी। नेक्स्ट पॉइंट था, आज जहां पर हिमालय है वहां पर पहले टेथी सागर या टेथिस भूसन्नति थी। नेक्स्ट पॉइंट, जब टेथिस भूसन्नति से या टेथी सागर से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ हिमालय का उत्थान टेथिस भूसन्नति से, वही वाला वीडियो देखिए, हिमालय का पहला वीडियो, ठीक है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट कि जब टेथिस भूसन्नति से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ तो इन तीनों नदियों ने न ही अपनी दिशा बदली और न ही अपना रास्ता छोड़ा, ठीक है। उसी में आगे बढ़ाइए, ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटती रही अर्थात अपनी घाटी को गहरा करती रही। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय के लिखते रहिए, जो भी बोल रहा हूं सब कुछ हूबहू लिखना है आपको। ये तीनों नदियां अर्थात सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपनी घाटी को गहरा करती रही अर्थात हिमालय को काटती रही, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय में, सबसे पहले कौन सा हिमालय बना था, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, सबसे पहले वृहद हिमालय बना था, है ना। तो परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने वृहद हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया अपने अपने जगहों पर। यहां पर सतलज नदी ने यहां पर और सिंधु नदी ने यहां पर, परिणाम स्वरूप इन तीनों नदियों ने हिमालय में गहरी और सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं,
जिसे हम गार्ज कहते हैं। ओके, आप समझ में आया गार्ज क्या होता है? इसे हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं, आई आकार की घाटी, है ना, या गार्ज कहते हैं। इसे हम कैनियन भी कहते हैं, गार्ज या कैनियन। कैनियन जो होते हैं गार्ज से भी ज्यादा गहरे होते हैं, है ना। जैसे कैनियन जो कोलोराडो नदी है अमेरिका की, यूएसए की, कोलोराडो नदी कैनियन बनाती है, वो और ज्यादा गहरा है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों में मैंने बताया कि गार्ज का निर्माण कर दिया, जिसे हम गार्ज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन सिंधु गार्ज, सिंधु गार्ज डैश जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप, यह गिलगित, जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर, है ना। सिंधु गार्ज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर। नंबर दो शिकिला गार्ज, शिकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, शिकिला गार्ज डैश देखिए हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। तीसरा है यहां पे, तीसरा है दिहंग गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में, दिहंगार्ज ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तीनों गार्ज के विषय में आपने जान लिया और पूर्ववर्ती नदियों के विषय में आपने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि हिमालय की या हिमालय क्षेत्र की ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां अंतरराष्ट्रीय हैं, इंटरनेशनल रिवर्स है ये, अर्थात इनमें से प्रत्येक, इन तीनों में से प्रत्येक तीन देशों से होकर बहती हैं, तीनों में से प्रत्येक अर्थात सभी तीन तीन देशों से बहते हैं। नंबर वन सिंधु नदी, सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान। नंबर दो सतलज नदी से चीन, भारत, पाकिस्तान। नंबर तीन ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश। तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय हैं और इनमें से सभी तीन तीन देशों से होकर बहती हैं। सिंधु नदी चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज नदी चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश। ओके, ठीक है, अब हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। आज की वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र का ही व्यापक और भली भांति अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल दिया आपने, पहला पॉइंट सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है, ठीक है। दूसरा पॉइंट सिंधु नदी के बाएं तट पर, जैसे ये सिंधु नदी अगर बह रही है और इसकी दिशा इधर है ना, तो ये बाएं तट हो गया और ये सिंधु नदी का दायां तट हो गया। अगर दिशा इधर है ऐसे बह रही है तो ये बाएं तट हो गया और ये दायां तट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मुख्य नदी सिंधु है। दूसरा पॉइंट सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली पांच प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। पॉइंट को फिर से दोहरा रहा हूं, सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली पांच प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। इसको आप याद कर लीजिए इस क्रम को। सबसे पश्चिम में सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर
रावी, ये व्यास, और व्यास के पूर्व में सतलज। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली पांच प्रमुख सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है। इसे लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आप इसे 5 बार बोलेंगे अपने मुंह से, याद हो जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये क्रम से है, इस क्रम को याद कर लीजिए, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, इसका नाम है झेलम नदी। अभी ऐसे ही लिखिए, व्यापक विवरण हम आगे देंगे। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखते चलिए। सिंधु नदी तंत्र की शेष 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, चिनाब, रावी, व्यास, है ना? चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को, सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को जो पंजाब में बहती हैं, उन्हें हम पंच नद कहते हैं। पंच नद, आप कहेंगे कि पांचों पंजाब में तो नहीं बह रही है। सिंधु नदी की जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, पंजाब केवल भारत में ही नहीं है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, और थोड़ा सा पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब भारत में आ गया। तो सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियां जो पंजाब में बहती हैं, यहां से लेके यहां तक पंजाब में, उन्हें हम पंच नद कहते हैं। ठीक है, ये 5ों प्रमुख सहायक नदियां, लिखिए, ये 5ों प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के पठान मिठानकोट में, मिठानकोट भारत के पश्चिम पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधु नदी पर जो डॉट बनाया है, यहां पर पाकिस्तान का मिठानकोट नामक स्थान है, उसका नाम है मिठानकोट। तो पंजाब की ये 5ों प्रमुख सहायक नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती है, सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम। सिंधु नदी उद्गम, यहां पे लिखिए नदी उसके नीचे, और यहां पे लिख दीजिए उद्गम। उद्गम अर्थात सोर्स, जहां से निकलती है सिंधु नदी। डैश, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा यमुदुंग ग्लेशियर से, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा यमुदुंग ग्लेशियर से। नंबर 2, सतलुज। डैश, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से, ये मानसरोवर झील पूर्व में, उसके पश्चिम में एक और झील है, उसे हम कहते हैं राकस ताल या राक्षस ताल भी कहते हैं, राक्षस ताल या राकस ताल। सतलुज नदी डैश मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से। तीसरा, झेलम डैश, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से।
नाग झील से, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से झेलम, ये जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील है ना। और अगली नदी है चिनाब, डैश मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र की तीन नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, चिनाब, रावी और व्यास। तो चिनाब डैश जम्मू हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा ला दर्रे के समीप से, बारा लाचा हिमाचल प्रदेश लिखिएगा, प्रदेश का नाम राज्य का नाम जरूर लिखते जाइए, हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा ला दर्रे के समीप से। उसके बाद देखिए रावी और व्यास एक साथ लिख लीजिए, रावी और व्यास डैश, ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। रोहतांग, रावी और व्यास ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। देखिए बारा लाचाला दर्रे के नीचे मैंने रोहतांग दर्रा बनाया है ना, और दोनों नदियां रावी और व्यास वहीं से निकल रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो रावी व्यास डैश ये दोनों नदियां हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, ठीक है। इनमें से उसी में जारी रखिए, इनमें से व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। देखिए सिंधु नदी तंत्र की सभी नदियां पाकिस्तान में प्रवेश कर रही हैं, एकमात्र नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही बल्कि पंजाब में ही सतलज नदी से मिल जा रही है व्यास। तो उसी में जारी रखिए कि व्यास सतलज की सहायक नदी है, व्यास सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। उसी में जारी रखिए व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया व्यास नदी। और सतलज नदी के बारे में आपने पहले लिख लिया, इसका उद्गम कहां पे है, राकस्थल से। ये हो गया आपका उद्गम। अब आप हेडिंग डालिए सिंधु नदी, आप सभी नदियों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। आपने उद्गम देख लिया, सभी सहायक नदियों का विवरण देख लिया, परिचय, अब विवरण लिखिए। पहला हेडिंग है सिंधु नदी, लिखते जाइए, यह सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदी है, ठीक है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर से दोहरा रहा हूं, सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिए, नोट कुछ जरूरी बात यहीं पर लिख लीजिए। भारत की छह सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है, भारत की छह सबसे लंबी नदियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, लंबाई 2900 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी सिंधु 2880 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी नदी है गंगा 2525 किलोमीटर। चौथी सबसे लंबी नदी है सतलज 1500 किलोमीटर।
पांचवी सबसे लंबी नदी है भारत की, गोदावरी। 1465 किलोमीटर गोदावरी, 1465 किलोमीटर। छठी सबसे लंबी गोदावरी 1465 किलोमीटर, इसी में डैश देके लिखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की पांचवी सबसे लंबी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी और भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी, इसी में लिख लीजिए, ठीक है। छठी यमुना, तेरह सौ पचासी किलोमीटर। छठी सबसे लंबी नदी गंगा की सहायक नदी, ये सब बातें यहां लिख लीजिए, आपको अलग अलग तरीके से जब सवाल पूछा जाएगा, फंसाया जाएगा, तो आपको माइंड में रहेगा। छठी सबसे लंबी नदी गंगा की सहायक, गोदावरी से छोटी, ये दिमाग में तभी रहेगा जब आप इसे लिख लेंगे। लिख लीजिए कि यमुना गोदावरी से छोटी नदी है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी क्वेश्चन पेपर में गोदावरी नदी की लंबाई पूछा था, तो हम ये कह रहे हैं कि इन सभी नदियों जो छह सबसे लंबी नदियां हैं भारत की, उनकी लंबाई आप अपने जबान पर रटकर चढ़ा लीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूजन ना हो। जैसे यही पूछ दिया कि भारत की चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप कंफ्यूज, पता ही नहीं, ये तभी होगा जब रट लीजिए, क्रम पूरा रट लीजिए कि ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी, सिंधु उसके बाद, फिर गंगा, फिर सतलज, तीन रटना तो बहुत ही आसान है, ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा बहुत ही आसानी से हो जाता है, 2900 किलोमीटर, 2880 और 2525। लेकिन मैं कह रहा हूं छह नदियों की लंबाई आप रट लीजिए, बहुत ही काम देगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु नदी मैंने हेडिंग डलाया था, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलकर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं ना लद्दाख जास्कर, तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य। लेह जो शहर है या नगर है या जिला है, लेह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी लेह शहर किन दो पहाड़ियों के मध्य में है, लद्दाख और जास्कर के मध्य में है लेह। ओके, सिंधु नदी गिलगित के समीप एक बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगित के पास ही सिंधु नदी दक्षिण में मुड़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हो गया, ये हो गया सिंधु नदी के बारे में जानकारी। अगला हेडिंग डालिए झेलम नदी। झेलम नदी के विषय में लिखिए, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरी नाक के समीप, फिर से लिख लीजिए उद्गम, हालांकि आपने लिखा है लिस्ट बनाकर, लेकिन यहां पर विवरण में डिटेल में लिखिए, ताकि चीजें बार बार रिपीट होंगी, आप पढ़ेंगे तो माइंड में बिल्कुल छप जाएगा। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरी नाक के समीप शेष नाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। लाल कलर का जो स्पॉट है ये श्रीनगर है, और उसके पूर्व में जो नीले कलर का घेरा है ये बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है ना बुलर झील, तो शेष नाग झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। कुनर यह नदी बुलर झील से आगे भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। बुलर झील से आगे कुछ दूर तक भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है, इसके पर यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है। क्वेश्चन पूछेगा, कितने तरह से सवाल बन सकते हैं, झेलम नदी कहां से निकलती है, शेषनाग झील से। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम नदी। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, झेलम नदी। कौन सी नदी बुलर झील से होकर गुजरती है, झेलम नदी। कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ बहती है, झेलम नदी, है ना।
मैंने अभी 5 से 6 तरह के सवाल पैदा किए, इतने तरह के सवाल इसे पूछे जा सकते हैं। ये तभी होगा जब मैंने जिस क्रम से बोला उस क्रम से आप लिखते जाइए, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है ना, झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है और कश्मीर घाटी एक समतल मैदान है। इस समतल मैदान में ढाल बहुत ही कम हो जाता है, ढाल कम होने के चलते झेलम नदी विसर्पण करने लगती है। विसर्पण क्या होता है, कोई नदी जब ऐसे ऐसे बहती है, जैसे मैदानी क्षेत्र में इलाहाबाद और बनारस में गंगा नदी कैसे बहती है, सांप की तरह रेंगते हुए बहती है, कोई नदी विसर्पण, इसे हम विसर्पण कहते हैं। कोई नदी विसर्पण तभी कर सकती है जब मैदान का ढाल बहुत ही मंद हो। पर्वत से निकलते समय नदी विसर्पण नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वेग इतना तेज होता है कि नदी सीधी बहती हुई चली जाती है। लेकिन मैदान में आने पर नदी, चूंकि ढाल बहुत कम हो जाता है, नदी की गतिज ऊर्जा बहुत ही घट जाती है। समतल मैदान में गतिज ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा एनर्जेटिक सॉरी गतिज ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि नदी बहुत तेजी से बह नहीं पाती, जिसके चलते सांप की तरह रेंगने लगती है। तो झेलम हिमालय की एकमात्र नदी है हिमालय क्षेत्र में बहने वाली जो कि विसर्पण करती है। ये प्रमुख बात यह है कि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हिमालय क्षेत्र की कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र में ही विसर्पण करती है, झेलम नदी है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखेंगे कि झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक, नौका गम में है, नौका गम में, क्योंकि समतल मैदान से बहती है, कश्मीर घाटी में विसर्पण करती है, विसर्पण का अर्थ है कि बहुत स्लो बहता है, इसके चलते उसमें नावें चलाई जा सकती हैं। तो झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौका गम है। अगली हेडिंग डालिए चिनाब नदी, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ एक पॉइंट लिखना है कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। अगली हेडिंग डालिए रावी और व्यास नदी एक साथ, थोड़ी देर पहले लिखवाया वहां वो चीज यहां पर रिपीट कर सकते हैं कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। व्यास नदी एकमात्र नदी है सिंधु नदी तंत्र की, एकमात्र नदी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाती। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। ये हो गया व्यास नदी की जानकारी। अब अगला हेडिंग डालिए सतलज नदी, अगला हेडिंग सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्कस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। राक्कस ताल से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और शिवकिला दर्रे के समीप, यहाँ है शिवकिला दर्रा, और शिवकिला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में शिवकिला गार्ज का निर्माण करती है, वृहद हिमालय को काटकर शिवकिला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी दो राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सतलज नदी सिंधु नदी की शेष 4 नदियों का जल लेकर, सतलज नदी सिंधु नदी तंत्र की शेष 4 सहायक नदियों का जल लेकर सम्मिलित रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी से बाई तरफ मिल जाती है। ओके। तो ये तो हो गए पंचनद, झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ये जो 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की, इन्हें हम कहते हैं पंचनद। इन पंच नदों के बारे में मैंने बताया कि सिंधु नदी पर बाएं तरफ पर आकर मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है। तो 2-3 खास पॉइंट हैं अभी बचे हुए हैं, लिख लीजिए कि पंच नद के अलावा
कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं। पंच नद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी में बाई तट पर आकर मिलती हैं, बाई तट पर ही आकर मिलती हैं। इनमें से ज्यादातर नदियां जम्मू कश्मीर में हैं, बाई तट पर आकर मिलती है। इधर से छोटी छोटी नदियां हैं, यहां बनाना संभव नहीं है। इन नदियों का नाम लिख लीजिए। पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं कि पंच नद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी में बाई तरफ से आकर मिलती हैं, सहायक नदियां। ये हैं जास्कर, श्यांग, शिगार और गिलगित। गिलगित, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा सिंधु नदी की कुछ अन्य सहायक छोटी छोटी सहायक नदियां दाएं तट पर आकर मिलती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छोटी सहायक नदियां सिंधु नदी में दाईं ओर से आकर मिलती हैं, राइट साइड से। इन नदियों के नाम हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। इसमें से श्योक नदी जम्मू कश्मीर में ही बहती है। श्योक नदी यहां से निकलती है, श्योक नदी यहां से निकलती है और ऐसे बहते हुए यहां पे, हम जब हिमालय पढ़ा रहे थे ट्रांस हिमालय, तो उसमें मैंने ये सब बताया था। श्योक नदी काराकोरम ग्लेशियर के समीप से यहां पे निकलती है और सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, श्योक नदी, है ना। तो सिंधु नदी में दाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, और बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और बाएं तट पर मिलने वाली छोटी नदियां हैं जास्कर, श्यांग, सिगार, गिलगित। ये हो गए सिंधु की सभी सहायक नदियां। इसके बाद एक महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक पॉइंट ये बचा हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी दरअसल चीन से निकलने के बाद भारत और पाकिस्तान में ज्यादातर बहती है, तो भारत और पाकिस्तान में विवाद हो जाता है कि कौन कितना जल का इस्तेमाल करेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में उतनी खेती नहीं होती है, लेकिन पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में खेती होती है। तो भारत को न केवल खेती के लिए बल्कि जल विद्युत का निर्माण करने के लिए भी इन नदियों के पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। किसी देश को नदी के जल का इस्तेमाल केवल खेती करने के लिए नहीं पड़ती है, उसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि जल विद्युत का उत्पादन किया जा सके। तो पांचों नदियों में से किस नदी का कितना उपयोग करेगा भारत और कितना उपयोग करेगा पाकिस्तान, इस पर विवाद रहता है। तो इस संबंध में एक समझौता हुआ था 1960 में, जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके तहत ये तय हुआ था कि सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख सहायक नदियां, ये 6 प्रमुख सहायक, सॉरी सहायक बोल रहा हूँ, सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियां हैं ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 6 नदियां हैं प्रमुख। तो सिंधु जल समझौते में ये तय हुआ था कि सिंधु नदी तंत्र की 6 प्रमुख नदियों में से पश्चिम की 3 नदियों के 20% जल का प्रयोग भारत करेगा और 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। साथ ही सिंधु नदी तंत्र की पूर्वी 3 नदियों अर्थात रावी, व्यास, सतलज, पूर्वी 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के तहत तय हुआ था कि पश्चिम की 3 नदियों, आप नाम देख लीजिएगा, पश्चिम की 3 नदियों के 20% जल का प्रयोग भारत करेगा और पूर्व की 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा, ठीक है। यानी इस इन तीनों का 20% भारत, 80% पाकिस्तान, और पूर्व की तीनों का 80% भारत और 20% पाकिस्तान। यानी भारत ज्यादा जल का इस्तेमाल, इन पूर्वी 3 नदियों की जल का इस्तेमाल ज्यादा कर सकता है, यानी रावी, व्यास और सतलज, जबकि उत्तर की, पश्चिम की जो 3 नदियां हैं इनका ज्यादातर जल का प्रयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है, ठीक है।
तो ये हो गया आज सिंधु नदी तंत्र। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसके बाद कल अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शामिल करेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं हर वीडियो में तो इसे रिपीट नहीं कर सकता और नहीं मैं करता हूँ, और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही थोड़ी मेरी सहायता करिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे वीडियो की जरूरत है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। आप फेसबुक ग्रुप पर या अपने टाइमलाइन पर किसी भी तरीके से मेरे वीडियोस को या मेरे चैनल के लिंक को, चैनल के ऊपर लिंक होते हैं, वीडियोस के ऊपर भी लिंक होते हैं, अगर क्रोम में देखेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, डेस्कटॉप पे, तो ऊपर लिंक आता है, तो उस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप शेयर करिए और आपके जो भी दोस्त या दूर दराज के लोग हैं परिचित, उनसे आप कह सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निश्चित रूप से उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आप खुद भी इसका फ़ायदा लीजिए, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करिए। ओके, नमस्कार।